अबुधाबी में हिंदू मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार है और उद्घाटन में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, ये जानकारी सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार करा है न्योता। 14 फरवरी 2024 को उद्घाटन समारोह का आयोजन 108 फीट ऊंचा अबुधाबी का जो मंदिर है 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ। दुबई जैसी और उनका यूएई जैसी बड़ी कंट्री, इस्लामिक कंट्री के अंदर इंडियन कल्चर को इतना प्रमोट किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट किया कि आपकी दौरे हुकूमत के अंदर ये सब कुछ पॉसिबल है। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इनॉग्रेट BAPS हिंदू टेम्पल इन दुबई ऑन फरवरी 14, क्या कहेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कल्चर, अपने कल्चर को, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? सो आई थिंक द इंडियंस ने वो एक तो हमारी कमजोरियां, उनकी स्ट्रेंथ, ट्रांसफॉर्मेशन इन द मिडल ईस्ट, इन सारी चीजों ने मिल मिला के जो माहौल बना दिया है, उस माहौल में पाकिस्तान की वो जो एक, इनको ये नहीं पता कि हिंदुओं के लिए, मुझे ऐसा लगता है हिंदुओं के लिए 1000 साल में इससे बड़ी बात नहीं हुई। सही हो गया, दुबई के अंदर एक मंदिर बनने जा रहा है। हाँ, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत? सुना है मैंने, वहाँ पर बन रहा है मंदिर। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरे ख्याल इस्लामिक कंट्री में नहीं होनी चाहिए ये। नहीं होनी चाहिए। वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं हमारे मस्जिद पर आकर, जो दूसरे हमारे मजाहिब हैं, तो नहीं होनी चाहिए, इस तरह परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हमने ये सारा के सारा रिलेशनशिप कम्प्रोमाइज हो गया हुआ है, बिकॉज हमने इतने ज्यादा हाथ फैलाए। अब तो कोई स्टोरी ढकी छुपी नहीं रही। सो नरेंद्र मोदी ने सारे प्रोसेस में इंतहाई फायदा उठाया और वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ वहां जाके खेले, एंड दे मेड देयर स्पेस। यही चीज है कि अब जय हिंद दोस्तों, भारत का हर मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो है रिश्ता और दोस्ती बहुत ही बेहतर है हर जगह, केवल बस पाकिस्तान को छोड़ करके। यूएई के अंदर बहुत ही बड़ा, बिगेस्ट जो है, थर्ड बड़ा मंदिर बना हुआ है, जिसका शुभ आरंभ जो है वो मोदी जी के हाथ होने वाला है, क्योंकि वहाँ के यूएई में बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है जो कि दुनिया में तीसरे नंबर पे आएगा। और यूएई का मंदिर कंप्लीट हो गया, उसमें 14 फरवरी 2024 का उसका इनॉग्रेशन रखा गया है, जिसमें पीएम मोदी को जो है सऊदी सरकार द्वारा बुलाया जाएगा। तो पीएम मोदी ने जो है जाने के लिए जो है इन्विटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है और वो जाएंगे साथ में। यूएई के सबसे बड़े सरकार जो शेख है वो उस दिन आएंगे और पीएम मोदी के द्वारा जो है इनॉग्रेशन होगा, फीता कटेगा और मंदिर का जो है शुभारम्भ हो जाएगा। पाकिस्तान जो है डिग्रेड हो रहा है, आपको मालूम होगा कि जिस तरीके के बयानात आते हैं, न्यूज आती हैं, पाकिस्तानी मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा चिकती चिलाती नज़र आती है, क्योंकि भारत को हर मुस्लिम वर्ल्ड में उतना ही अहमियत है, बस केवल पाकिस्तान को छोड़कर। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की राजधानी अबुधाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि अबुधाबी में 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन समारोह रखा गया है। BAPS के स्वामी ईश्वर चरणदास और स्वामी ब्रह्मावी हरिदास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया है। एक सवाल यहाँ पर यह बनता है, यूएई के अंदर, यूएई एक जो है ना वो टूरिस्ट हब मानी जाती है कंट्री, वहाँ पर हिंदुओं की तादाद भी बहुत ज़्यादा, इंडियन सारे जाकर यूएई बस चुके हैं। अब इंडियन जो है वो नौकरी के फील्ड में तो है नहीं, नौकर बनकर नहीं रहते सर, वो लीड कर रहे हैं यूएई के अंदर, दुबई के अंदर लीड कर रहे हैं। आप रिसर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको नजर आएगा कि इंडियंस बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सीईओज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को रन कर रहे हैं। तो सर यूएई की मजबूरी नहीं होगी कि वो बड़ा मंदिर बना रहे हैं, छोटा मंदिर भी नहीं? मंदिर के अलावा यहाँ पर हमारे एजुकेशन पे फोकस नहीं है। सर एक सवाल यहाँ पर दूसरा मेरा ये बनता है आपसे कि जिस तरह से हम देखते हैं यूएई, जिस तरह से पाकिस्तान को आज से कुछ 10-20 साल पहले चले जाएं, यूएई और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को अपना राइट हैंड मानते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होकर वो इंडिया हो गया, इंडिया को बड़ा मानते हैं वो। अभी तो देखे ना जम्मू एंड कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग हुई, वहाँ पर भी चले गए। और बड़ी बात बताऊँ, इस जो उनसे मंदिर की ओपनिंग के अंदर 30 बड़े कंट्रीज के सफारतकारों में से आके विजिट कर रहे हैं मंदिर का भाई, और जाके विजिट करके कह रहे हैं कि तामीर हो रहा, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं और बड़ी तारीफ कर रहे हैं उसकी। इंडियन कल्चर कितना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है दुनिया में, किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, हमारा क्यों? आई डोंट नो कि हम क्यों, हमारा क्यों नहीं हो रहा। उनका बेसिकली सोशल मीडिया पे बड़ा, उन्होंने अपने
मूवीज़ में इस चीज़ को बड़ा प्रमोट किया हुआ है, हमें टेररिस्ट उन्होंने दिखाया हुआ है, उनकी मूवीज़ देखें हमारी देखें, हमने कभी ऐसी कोई मूवीज़ देखी नहीं कि पाकिस्तान ने उनके खिलाफ बनाई हो, उन्होंने देखें बेशुमार बनाई हैं। तो बेसिकली उन्होंने अपने सोशल मीडिया ये मूवीज़ के ज़रिए पाकिस्तान को बड़ा प्रेजेंट गलत प्रेजेंट किया हुआ है। उनके पास पावर है तो कर रहे हैं ना वो गलत प्रेजेंट, अगर पावर भी है और उनको सपोर्ट भी है चीज़ों में, देखें ना उनके पास प्लेटफॉर्म है, वो पाकिस्तान को अच्छा दिखाने अच्छा दिखा दे, बुरा तो बुरा दिखा दे। Prime Minister Modi to inaugurate BAPS Hindu temple in Dubai on February 14. क्या कहेंगे आपके Prime Minister नरेंद्र मोदी जो हैं वो कल्चर अपने कल्चर को इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? जहां पर एक साइड पे ये भी कहा जाता है इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं और एक इस्लामिक कंट्री में, तो इसके पीछे आखिर क्या कहना क्या समझ क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो मंदिर बना है इससे पहले यूएई ने परमिशन दी होगी, यूएई ने परमिशन दी है बनाने के लिए, जमीन दी है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रमोट कर रहे हैं, यूएई प्रमोट कराना चाहता था इसलिए प्रमोट हो रहा है पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ, कभी ये नहीं बोला कि भाई इंडिया सेक्युलर कंट्री है तो मैं किसी मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाऊंगा। क्या नहीं लगता कि आपको अब रिलेशन बेटर कर लेने चाहिए, जहां पर आपको पता चल गया कि एक बहुत ताकतवर है आपसे मुकाबला नहीं हो सकता, वहां पर आपको नहीं लगता कि रिलेशन बेहतर? मुकाबला तो हो सकता है, डिसीजन होते हैं जो कि हमें बेहतर करने पड़ेंगे अपने, फिर नहीं कह रहा हूँ, चले मुकाबला आप कर भी सकते हैं लेकिन मुकाबला करके जंगे करके तो कंपटीशन के तौर पर लें तो फिर हम मुकाबला हेल्दी कंपटीशन ताकि दोनों कंट्री कंपटीशन होता है तो आप दो कंपटीटर एक दूसरे को लीड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि हमने कहा किस तरीके से आगे निकलना है एक दूसरे, ठीक है ना? कंपटीशन लगता है कि आपको कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए या फिर ट्रेड कर लेनी चाहिए, सब कुछ भूल के कह देना चाहिए आओ जो यार भाई गलती हो गई आप सब कुछ रवा, पॉजिटिवली हर चीज को लेके चलें तो चीजें मैनेज हो सकती हैं, ठीक है? करनी चाहिए पॉजिटिव। क्या इंडिया के साथ किस चीज की दुश्मनी? हमारी दुश्मनी तो वैसे ऐसा सच कोई नहीं है, एक हमारा और उनका कल्चर डिफरेंट है और जो दुश्मनी है वो उन्होंने खुद क्रिएट की हुई है। उन्होंने की है, हमने की है? उन्होंने की हुई है, हमने क्या किया? आप जब भी देखें तो उन्होंने की है या एक तरफ से दुश्मनी तो होती है, कंट्रोल पर अक्सर उनकी गोलाबारी हो रही होती है, यहाँ पे हम लोग तो नहीं करते, फिर उसका रिस्पॉन्स वो देते हैं उनको उस तरीके से, ये चीज़ें। तो बेसिकली पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे दुश्मनी की नहीं जाती बल्कि चीज़ों को लेके आगे जाए, सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए चीज़ों को लेकर, अगर हम भी दुश्मनी करेंगे तो वो तो फिर खत्म हो जाएंगे। आपसे सवाल है कि आपके ओपोजिशन पार्टीज तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करती हैं कि इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है और फिर भी हिंदू राष्ट्र को प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि हिंदू राष्ट्र जो है वो इंडिया को बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे ऑपोजिशन पार्टीज इस तरह की स्टेटमेंट्स पास करी हैं? और मोदी जो है वो अब आपको पता है जैसे नेक्स्ट मंथ जो है राम मंदिर की भी इनॉग्रेशन है 22 जनवरी को और इसके बाद फरवरी में यूएई में भी जो है इसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे, तो इसके इसका क्या गेस्चर पूरे वर्ल्ड को जाता है, इसका क्या साइन पूरे वर्ल्ड को जाता है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा दिभाजी के अपोजिशन की प्रॉब्लम है कि वो सीखना नहीं चाहते, उन्होंने कुछ चीजें सीख ली हैं 5-70 साल के पॉलिटिक्स में एंड दे आर नॉट रेडी टू अनलर्न। पता नहीं हिंदू राष्ट्र से उनको क्या परेशानी है और हिंदू राष्ट्र में ऐसी क्या बुराई होगी मुझे तो नहीं समझ में आता। जब राष्ट्र का मतलब होता है इनहेरिटेंस, हमने अपने पुरखों से ये जमीन इनहेरिट की है, ये हिंदुओं की जमीन है, इसको यदि सुनने में किसी को बुरा लगता है और मिर्ची लगता है तो ये उनकी समस्या है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट को अगर इंडियन सबकॉन्टिनेंट ना कहें, बर्रे सगीर कह लें, साउथ एशियन कह लें, ये कह लें, वो कह लें, लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो है भारत का रिलेशन बहुत ही बढ़िया। आप ही आपको मालूम होगा कि कतर ने अपने भारत के जो है अफसरों को जो है छोड़ दिया है, नेवी के अफसरों को जिनको फांसी की सजा दिया था, और साथ में आपको बता दें यूएई से बहुत ही बड़ा इनविटेशन आ चुका है नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी जी को जो है 14 फरवरी 2024 को जो है यूएई के अंदर बुलाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बिगेस्ट 3rd नंबर पर जो मंदिर बना हुआ है उसका इनॉग्रेशन शुभारम्भ होने वाला है। उसमें जो है मोदी जी को इन्वाइट किया गया था, जिसमें मोदी जी ने इन्वाइट एक्सेप्ट भी कर लिया है और ये जाने गे भी, और सुमो उसका रेविन काट कर जो है उसका उद्घाटन किया जाएगा मंदिर का, बहुत ही बड़ा बिगेस्ट मंदिर है। तो आपको मालूम हुआ भारत का रिलेशन मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बहुत ही बढ़िया है और लगभग भारत जो है 100 कंट्री से ट्रेड कर रहा है फिलहाल।
भारत की जीडीपी रेट देख सकते हैं, भारत की ग्रोथ रेट देख सकते हैं किस तरीके से है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चिल्लाती नज़र आ रही है कि आखिर में कतर ने क्यों 8 नेवी अफसरों को छोड़ दिया, इसको लेकर के पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। साथ में है जो है पाकिस्तान का ये भी कहना है कि हम भारत से जो है ट्रेड करना चाहते हैं। जब वो देखते हैं कि भारत हर वर्ल्ड मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बढ़िया रिलेशन रखा है, बस केवल पाकिस्तान को छोड़ करके, तो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लीडर का कहना है कि हम भारत से अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। तो भारत ने भी उसमें एक जवाब दिया कि अगर भारत से अच्छा रिश्ता रखना है, अगर भारत से ट्रेड करना है, तो पाकिस्तान में जितने आतंकवादी हैं वो सब भारत के नाम कर दो, यानी भारत में हैंड ओवर करना पड़ेगा। ये देख करके पाकिस्तानी सुनो।